छात्रों और मजदूरों का किराया बिहार सरकार करेगी वहन। बाहर से आने वाले लोगों को मिली बड़ी राहत। क्वारंटाइन सेंटर पर है समुचित व्यवस्था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया बिहार सरकार वहन करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारा सुझाव माना। केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हो या मजदूर हो या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम कर रहे हैं। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। सीएम हर हालात पर बनाए हुए हैं नजर। कोरोना के लक्षण मिलने पर तुरंत कराएं जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी करें पालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बाहर से आ रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है और जिनमें लक्षण मिले उनकी तुरंत टेस्टिंग भी कराई जा रही है। तो जो लोग भी आए यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेल गाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है। और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया उसी हिसाब से वहां पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब मजदूर या बाहर से आए लोग 21 दिन बाद क्वारंटाइन सेंटर से निकलेंगे तो उनको यात्रा में लगे किराया खर्च के अलावा 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए न्यूनतम 1000 रुपए की राशि तय की गई है। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी, और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे उनको हम लोगों ने 1000 रुपया देने का निर्णय किया, और जो भी उनका एप्लीकेशन आया उस पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों को दिया जा चुका है। बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने के लिए आंगनवाड़ी सेविका व आशा कार्यकर्ता मुख्य भूमिका निभा रही हैं। जिले के बलिया, तेघड़ा व बेगूसराय सदर मंडल के कंटेनमेंट क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिल्क पाउडर का भी वितरण किया जा रहा है। बक्सर जिला प्रशासन ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को क्वारंटीन रखने की पूरी व्यवस्था कर ली है। बक्सर रेलवे जंक्शन पर श्रमिकों की प्रथम स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी अमन समीर व पुलिस अधीक्षक ने क्वारंटीन सेंटर की स्थिति का जायजा लिया। कोरोना वायरस संक्रमण काल में आम लोगों को समय पर सरकारी सहायता प्राप्त हो, इस बाबत भागलपुर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड डाटा एंट्री का काम 100% पूरा कर लिया जाए ताकि लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अन्य राज्यों व हॉटस्पॉट क्षेत्रों से जिले में आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन रखने के लिए अररिया जिला प्रशासन ने खास बैठक की। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने मुखिया, सरपंच व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन व पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। जिले में 5 मई को केरल से खुलने वाली ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों का निबंधन व स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है। मधुबनी जिला कई हिस्सों से नेपाल सीमा से लगती है। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र ने भारत नेपाल सीमा पर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सीमा पर और भी अधिक चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन लाभार्थियों का उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने निर्देश दिया कि त्वरित गति से राशन कार्ड के सभी मिसमैच डाटा का मिलान कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित सभी लाभार्थियों को राशन व नगद सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। खगड़िया जिला प्रशासन ने भी अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था कर ली है। जिलाधिकारी आलोक रंजन के निर्देश पर प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में सभी मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को दैनिक उपयोग के सामान अलग अलग उपलब्ध कराया जाएगा।